record not take a bow, Imran Nazir. Miles, and he gets 100 with a magnificent shot. जितना भी शुक्र अदा अल्लाह ताला का करूं कम है और बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि थैंक्स गॉड कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी और दोबारा अपनी क्रिकेट में वापस आया और स्पेशली थैंक्स उन फैंस का जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की और उन दुआओं का नतीजा कि आज मैं दोबारा ग्राउंड में और वापस अपनी क्रिकेट में आया हूँ और यहाँ पर स्पेशली थैंक्स शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन जिन्होंने मुझे इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हेल्प की और PCB थैंक यू वेरी मच और उन डॉक्टर्स का ह्यूमन बॉडी स्कैन जहाँ से मैंने अपना ये सारा ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर उमर डॉक्टर असद डॉक्टर सलमान थैंक यू वेरी मच और अल्हम्दुलिल्लाह के अभी ट्रेनिंग वगैरह या जिस तरह अपनी क्रिकेट में वापसी के एक्सरसाइज ट्रेनिंग जिस तरह कर रहा हूँ और नौ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बाकी रही क्रिकेट की बात कि कितनी और क्रिकेट है ये तो ऊपर वाले ही जानता है लेकिन ये जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है सेहत है तो सारा कुछ ही है और ये मैंने 5 सालों में इन चीज़ों के ऊपर बहुत चीज़ें सीखी हैं और मेरा ख्याल है कि मेरी हमेशा से सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे जिनको ऑलरेडी बीमारी है या नहीं है सबके लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैंने जब बचपन में क्रिकेट शुरू की तो क्रिकेट समझे मेरा पैशन और मेरा शौक है। मैं अपने शौक की वजह से क्रिकेट खेलता था और मुझे बचपन में भी एक चीज़ का एहसास नहीं था या आइडिया नहीं था कि मैं कभी पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। आहिस्ता जब मेहनत करता गया तो मेरे बड़े उन्होंने मुझे बताया कि जब मेहनत करेंगे तो आपको ये अचीवमेंट आप ये अचीव करोगे। तो एक डिपार्टमेंट के लिए एक फ़र्स्ट क्लास के लिए हम उसके लिए मेहनत की जब उसके लिए मेहनत की कि वो खेला फिर उसके बाद जब उसमें परफॉर्म हुआ तो फिर आइडिया होना शुरू हो गया कि आप ऊपर की तरफ किससे जाओगे। तो हर चीज़ में मेहनत और मेरा ख्याल है कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि आपको कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसका फल ना मिले। मेरा ये बिलीव है बीइंग मुस्लिम। मैंने बताया बीमारी में मैंने 5 साल मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट की आप कोचिंग में आ जाओ ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों में लेकिन बस मेरा एक एम था और मुझे एक बिलीव था कि मैं एक दफ़ा दोबारा क्रिकेट में ज़रूर इन लूँगा और मैं ये सेहतमंद हूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेक नीति और लोगों की दुआओं की वजह से मैं फिर दोबारा एक्शन में नज़र आ रहा हूँ। बाकी क्रिकेट देखे एम हमेशा से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हाई रहा है और अभी भी हाई है क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन हमें वो कहते हैं ना सेल्फ बिलीव और स्ट्रांगनेस कह सकते हैं कि हम में बहुत ज़्यादा है। मैं अकेला नहीं सारे स्पोर्ट्समैन में ये है और मेहनत करना मेरा काम है। आगे पाकिस्तान के लिए अगर मैं उतना फिट या उस काबिल दोबारा अच्छा परफॉर्म करता हूँ और मुल्क को अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ। वैसे भी ओवरऑल इतनी ज़्यादा क्रिकेट है इतनी ज़्यादा लीगें हैं तो जो किस्मत में एंड ऑफ द डे मैं हमेशा अपनी मेहनत पे बिलीव रखता हूँ और मेहनत के बाद मैं अपनी किस्मत बनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में भी 2-3-4 साल जितने भी खेलता हूँ और इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलूँगा। दुबई खेल रहा था 2013 में वहाँ एक टूर्नामेंट होते हैं तो वो खेल रहा सबसे पहले मेरे रिस्ट में शुरू हुआ फिर मैंने नॉर्मली लिया कि जैसे ज़ाहरी बात है समटाइम अब तेज़ बैट घुमाओ या कोई होता है तो मैं वही समझ रहा था शायद वो पेन है। तो विद इन 2-3 डेज़ के अंदर अंदर मेरे दूसरे रिस्ट में भी शुरू हुई है। जब इसमें शुरू हुई है तो मैं खैर मैचेस खेलता रहा और एक मैच में तो खैर ऐसी सिचुएशन बनी कि मेरे से बैट भी नहीं पकड़ा जा रहा तो आई थिंक अब मैं फील करना शुरू कर दिया कि समथिंग रॉन्ग। तो मैंने रिसेंटली फौरी जो अपने वैसे भी मैं अपने टेस्ट वगैरह करवाता रहता था तो मैंने टेस्ट करवाए उसके बाद मैंने फ़ौरन पाकिस्तान आ गया। मैंने अपने डॉक्टर से मिला मैं हमारे PCB के डॉक्टर हैं उनसे मिला कुछ टेस्ट लिख के दिए उन्होंने। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो वो स्टेमसन जो है वो बड़ा गलत कह सकते हैं क्या तरफ जा रहे थे और विद इन 1 वीक 10 डेज़ मेरा नीचे से लेके ये जितने भी मेरे जॉइंट्स हैं 10 सब में 10 डेज़ के अंदर अंदर मेरी ये हालत हो गई थी कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था ना लेटा जाता था ना सोया जाता था। तो फिर ट्रीटमेंट करवाई यहाँ से करवाई
बाहर से करवाई, लेकिन 5 years इसी में बहुत सारे डॉक्टर्स, सारी बात है मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि इसका इलाज नहीं है। कुछ ने कहा हकीम के पास जाओ, कुछ ने कहा दम करवाओ, बाबों से करवाओ, सब कुछ किया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसे ही बस सर्च मारी, मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि अमेरिका शिकागो में ये चीज़ है। और मैं खैर वहाँ जा रहा था, वहाँ मैंने ऑलरेडी सारा कुछ करवा लिया था, अपॉइंटमेंट भी ले ली। मेरे एक दोस्त थे जाहिद साहब, जाहिद किंग कहते हैं उनको, और कहते यार मेरे कुछ दोस्त आए हैं अमेरिका से, वो आपके बड़े फ़ैन हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ओके, खैर मिला तो एक बीच में कहते हैं आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। मैंने कहा यार मुझे ये एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं खेल रहा मैं। तो कहते यार आप तो बहुत ज़्यादा मोटे हो, मैं इतना मोटा, इतना मेरा पेट। तो कहते यार टेंशन ही नहीं है, हम एकदम शॉक्ड। मैंने कहा यार मैं इस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ अमेरिका। कहते यार वेट, अमेरिका ज़रूर जाना है, अगर अमेरिका वाले आपके पास आ जाएँ तो और क्या चाहिए। मैं शॉक नहीं होता बंदा। मैंने कहा ओके। कहते आप मेरे पास आए क्लिनिक, मैं अभी थोड़े अरसे ही हुआ है मुझे यहाँ पाकिस्तान आए हुए, तो मैं इसी चीज़ के ऊपर सर्च करी है और मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। ओके। कहते मुझे सिर्फ 9 से 10 महीने जो है ना वो आप मुझे दें और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप दोबारा क्रिकेट खेलोगे। मैंने कहा ओके। खैर एक दिन गुजरा, दूसरे दिन मैं जाना शुरू कर दिया। उसके पास गया, खैर उसने फिजियोथेरेपी करवाई, ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता करते 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 स्टेम सेल्स है जो मैंने करवाया, पीआरपी कहते हैं उसको, और आहिस्ता 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 जब पहला पीआरपी मेरा हुआ, पहला स्टेम सेल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह फील करना शुरू किया कि यार कुछ बेहतर की तरफ मैं जा रहा हूँ। करते करते जब सेकेंड करवाया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जब मैं चाय वाला कप सुबह मुँह भी नहीं धुलता था मेरे से, मैं इस सिचुएशन में था। मैं आहिस्ता आहिस्ता जब फील किया तो मेरे में जान फील आनी शुरू हो गई। तो जब दूसरे से तीसरा हुआ तकरीबन अराउंड कुछ 6 months 7 months गो, तो मैंने कहा डॉक्टर कहते हैं बस इसके बाद 1 week रेस्ट करो आप, उसके बाद वॉक करो, भागो, दौड़ो, क्रिकेट शुरू करो आप। मैंने कहा ओके। जब 1 week गुजरा और उसके बाद मैं जब ग्राउंड में आया हूँ तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू की, रनिंग की, बैट पकड़ना शुरू कर दिया और मुझे एकदम ऐसे फील हो शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। खैर मैंने दंदियाँ शंदियाँ काटी अपने आप को कि ये वाकई में होता है, एक आदमी ऐसा जिससे एक चाय का कप भी नहीं पिया जा रहा, एक पानी की बोतल नहीं उठाई जा रही, और वो ऐसी सिचुएशन में दोबारा आ रहा है कि वो फिर वही जान, वही ताकत क्रिकेट खेलनी शुरू। तो वो एकदम से मैं बड़ा होना, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बहुत सारे मेरे अपने फ्रेंड डॉक्टर बहुत सारे ने कहा कि यार शायद अब क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत, खेलूँगा मैं, ज़रूर खेलूँगा मैं। वो कहते ना एक ज़िद्दबाजी नहीं होती, पता नहीं वल्ला मेरे जहन में क्या था क्या नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ पर वैसे ही वो कहते ना बींग मुस्लिम, मैं शुरू से देखो एक बच्चा एक ऐसे गांव से ऐसी जगह से आके पाकिस्तान लेवल पे अपनी इतनी शोहरत हासिल करता है। तो मैंने कहा यार अगर मैं वहाँ से उठ के मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो इसमें अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मैं क्यों नहीं वापस क्रिकेट में यार। खैर मैं 1 से 2 3 4 6 महीने 8 महीने जब गुजरे तो ऐसे 8-9 महीने के बाद मैंने अपनी प्रॉपर जो है ना ट्रेनिंग, बैटिंग सब कुछ शुरू कर दिया था। थैंक यू वेरी मच आकिब भाई, लाहौर कलंदर्स, आतिब भाई, समीन भाई, के जैसे ही मैं फ़िट हुआ इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और क्रिकेट खेलने को कहा कि आप क्रिकेट खेलो, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है आपने, हम आपके साथ हैं, आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो हम आपको करेंगे। तो नो अल्हम्दुलिल्लाह को वो मेरे साथ जुड़े हैं और एक कह लें कि एक बैकबोन बने हुए हैं। और जिस तरह आकिब भाई ने मुझे क्रिकेट में वापसी पर जिस तरह सपोर्ट किया, ऑनेस्टली बहुत कम मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बंदे देखे हैं। और आतिब भाई जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कहने का मकसद है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे एकदम से, मैं ऐसा आ रहा था कि शायद बहुत अभी टाइम लगेगा वापस आते आते, लेकिन एकदम से इन्होंने मुझे लाहौर कलंदर्स की इस प्लेयर्स डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम करते हैं और उसमें टीम सेलेक्ट की,
उसमें मुझे दुबई लेके गए. अनफॉर्चुनेटली कि मैं पहले मैच में मेरा हाथ फट गया, दो स्टिच आए मेरे और मैं मैचेस नहीं खेल सका. लेकिन ये है कि टीटन में फिर मैं वापस आया और उसके बाद अभी दोबारा मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है कि मैं इंशाल्लाह और कोई दो चार महीने अभी कोई भी नेक्स्ट क्रिकेट होगी तो मैं इंशाल्लाह अच्छी नहीं बहुत अच्छी खेलूँगा. मैं पाँच सालों में मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि मैं एक दफ़ा ग्राउंड में गया हूँ. एक हमारा टूर्नामेंट था जो हमारा आरबीएस टूर्नामेंट लोकल टूर्नामेंट था T20. मैं एक्चुअली खेलता हूँ सियालकोट स्टैलियन से. वो मैच था हमारा सियालकोट का फैसलाबाद में, एक वो मैच देखा है. फिर एक लास्ट टाइम PSL का मैच था लाहौर में, मैं वो सेकेंड टाइम देखने गया हूँ ग्राउंड में. मैंने पाँच सालों में ग्राउंड में नहीं आया. बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, मेरा अपना बहुत दिल करता था लेकिन अंदर से जो फीलिंग थी मेरी कि मैं ग्राउंड में जाऊंगा और ग्राउंड को जाके देखूंगा लोग खेल रहे हैं और मैं, तो वो नहीं, मेरे से नहीं देखा जाता. तो इस वजह से मैं ग्राउंड में ही आना छोड़ गया था. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से कॉन्टैक्ट भी करते थे कि आप मिलते नहीं हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते. लेकिन उन बेचारों को क्या पता हो कि एक बंदा फ़ोन भी नहीं उठा सकता. मेरे हाथ यूँ होल्ड नहीं होते थे, मेरे यहीं अकड़े रहते थे और मैं अगर बाजू यूँ करता था तो मेरे ये लॉक होते थे. तो उस वजह से मैं किसी से भी नहीं मिलता था. मैं बस अपने घर में अपने क्लोज जो फ्रेंड होते थे उनसे मिलता था, उनके साथ बैठता था, टाइम स्पेंड करता था और मोस्टली ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और एंड ऑफ द डे मेरी वाइफ. ऑब्वियसली माँ बाप बहन भाई तो आपके खून के रिश्ते हैं, आपके लिए उन्होंने दुआ करनी करनी है. तो वो तो उन्होंने बैकअप किया ही किया, लेकिन मेरी वाइफ ने इन पाँच सालों में बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्प की. और एक आदमी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही डाउन हुआ हुआ हो तो लव यू वाइफ. तो बहुत ज़्यादा मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया. तो इसी तरह बस पाँच साल गुजारे. मैं वेट कर रहा था कि एक ना एक दफ़ा फिट हो गई, एक दफ़ा ग्राउंड में ज़रूर घुसूँगा. और नौ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ग्राउंड में भी बैठा हूँ, अभी आपके सामने मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ यहाँ पर. मैंने बहुत ज़्यादा एज ए स्पोर्ट्स मैन, देखें पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ मेरी डिसिप्लिन थी, लेकिन पाँच साल इंजरी के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा. और कह सकते हैं कि एक सुपर फिट आदमी यार, जब हमें, मैं बीइंग मुस्लिम एक चीज़ समझता हूँ कि हमें इस चीज़ का, हर चीज़ का ना आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप हमेशा ऊपर वाले को ज़रूर याद रखें. हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम बड़ों की इज़्ज़त नहीं रही. कोई बहुत कम लोग हैं जो बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की, कोई भी आपका बड़ा है उसकी लाजमी रिस्पेक्ट करें. क्योंकि ज़िंदगी किस मोड़ पर आपको कहाँ से कहाँ ले जाए ये कोई भी नहीं जानता. क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुपर फिट आदमी कह सकते हैं कि जो एकदम से ही विद इन ए सेकेंड जो है ना वो ऐसे चला गया कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था. लेकिन ये बस मेरी किस्मत में था, ऊपर वाले ने लिखा हुआ था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में मैं खुशी लाइफ पाँच साल जो है ना मैंने बड़ी मज़े से गुजारे हैं. मैं डिसाइड नहीं हुआ कभी और होता ना बंदा कि यार क्या, मैं सिर्फ एक दुआ मांगता था कि मुझे सिर्फ बेड पे अल्लाह ताला कभी भी ना लटाएंगे. होता ना एक इंसान बेड पे ही लेट जाता है, वो बेचारा उठना भी ना. हालत ऐसी ही कुछ थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी वो दुआएं कबूल हुई. मैं अल्लाह ताला से यही ही कहता था कि मैं बस गिरूँ ना, बेड की हद तक ना रहूँ, मैं चलता फिरता रहूँ. मैं उसमें पाँच साल में मैं बहुत सारे अपने घर के काम जो नौकर करते हैं मेरे, मैं भी उनके साथ करता था. क्योंकि मैं चाहता था अपने आप को कहीं ना कहीं मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखूं. मैं अपने बच्चों साथ खेलता था, कभी इधर घूम रहा था कभी इधर घूम रहा था, लेकिन चलता फिरता रहता था. तो मैं हमेशा से सबके लिए एक ही मैसेज है मेरा कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें और स्ट्रॉन्ग रहें यार. देखो बीमारी या कोई भी आपकी परेशानी या मुसीबत कभी भी बता के नहीं आती, किसी टाइम भी आए तो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और आप हमेशा इस चीज़ को इजीली अवेल कर सकेंगे. कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. पहले मैं 25, 27 ईयर 38 ईयर्स का था, अब 37 ईयर्स हूँ. तो ज़ाहिर बात है उसमें और इसमें डिफरेंट तो है.
पहले समझ लें कि मैंने जो भी ट्रेनिंग शुरू की है और जो कर रहा हूँ, समझ लें कोई इतना डिफरेंट नहीं है। मैं बजाते खुद जो देखें स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं हर चीज़ वो चीज़ बताऊँगा जो मैं कर रहा हूँ और जो फील कर रहा हूँ। पहले में और अभी में ये समझ लें कि अगर पहले मैं 100% था तो अभी 80-85% अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा समझ लें डिफरेंट नहीं है। ऑब्वियसली 5 साल के बाद एक आदमी जब वापस आएगा उसको टाइम ज़रूर लगता है, पहले जैसी फिटनेस, अब एक आदमी यंग है और एक अब 37 ईयर्स एज, तो डिफरेंट तो होता है। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, लेकिन कोई इतना नहीं कह सकते कि मेरे में भी इतना मैं ट्रेनिंग जिस तरह कर रहा हूँ और जो फील कर रहा हूँ ट्रेनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें 80-85% अभी हूँ इतना। मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा, सबसे पहले न्यूट्रिशन। देखो आप बीमारी में आपको पता है डॉक्टर आपको कहते हैं कि यार ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, और मैं ऑनेस्टली मैंने न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, क्योंकि मेरे में अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ खाता था तो वो पेन इतनी ज़्यादा होती थी कि वो बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इसलिए मैंने ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मैसेज भी मेरा यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो मेरा खैर ढूंढना को मुझे मुश्किल नहीं है, कोई भी हो तो मैं सबके लिए हाज़िर हूँ। मैं उसको इलाज से लेके कोई भी अगर हेल्प भी चाहिए हो किसी को तो मैं डेफिनेटली किसी से हेल्प भी करवा दूँगा, लेकिन यही है कि स्ट्रॉन्ग बस। बीमारी को जितना आप सर पे हैवी लोगे, आप किसी भी चीज़ को देख लें, आप हैवी जब सर पे लेंगे तो आपके वो डे बाई डे हैवी होती जाएगी, आप डाउन होते जाएंगे। ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, कोई पता नहीं कि कौन सा दिन आप चल फिर रहे हैं, कौन सा दिन आप अंदर चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि एंड ऑफ द डे मौत से क्या डरना, मौत तो वैसे भी बरहक है, और जो दिन वो कहते हैं ना मैं समझ दूँ कब्र में है वो गवाही नहीं हो सकता। और मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं हमेशा से खुश रहता था, मैं उस हालत में भी अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता था कि ठीक है चल फिर तो रहा हूँ ना यार, एंड ऑफ द डे आज मरा कल दूसरा दिन कौन जानता है। तो बस एक ही चीज़ है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें और बीमारी से लड़ें आप। मैंने लड़ा इस बीमारी से बहुत स्ट्रॉन्गली और अल्लाह ताला ने उसका मुझे सिला दिया। देखो हम लोग बात करते हैं कि मेहनत करें उसका सिला मिलता है, हम लोग क्या करते हैं कि अभी दुआ मांगेंगे और कहेंगे शायद अभी 2 मिनट के बाद पूरी हो जाएगी। और भाई पूरी ज़रूर होगी, लेकिन एक टाइम होता है, आप मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद आपको ये नहीं कि दूसरे दिन ही आपको उसका सिला मिलेगा, मेहनत के बाद आपको टाइम लगते ही लगता है। तो कहने का मकसद है कि आप मेहनत करें, हर चीज़ से लड़ना सीखें। कुछ लोग समझते हैं यार ये स्पोर्ट्समैन है, इसने ये लड़ा है, तो कहने का मकसद है कि देखो किसी से आपको मैसेज से आपको एक अच्छी इंप्रेशन वो कहते हैं ना स्ट्रांगनेस मिल रही है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं। मैं आज कहीं भी अगर जाता हूँ, मैं कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज गया हुआ था, बहुत सारे डॉक्टरों से भी मुलाकात हुई, उनसे साथ भी मेरी यही सारे बातें, मैंने स्पीच भी यही की कि हमेशा स्ट्रांग रहें आप। कहते हैं ना जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कोई भी नहीं डाल सकता, तो मेरा यही बिलीव है कि मैं अपनी बीमारी से लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे सिला मिला। दुनिया में कम आदमी है जिनके लिए लोग इतनी दुआएं करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर जब क्रिकेट छोड़ के जाते हैं तो कोई भी नहीं याद रखता, और मैं समझता हूँ कि मैं वहाद एक ऐसा क्रिकेटर हूँ जो जैसे ही बीमारी में पीछे हटा हूँ मैं, तो बहुत सारी दुनिया को पहले पता ही नहीं था कि वो हर आदमी यही कहता था कि ये आदमी चला किधर गया, एकदम से ही गायब हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता चला और जितनी मेरे लिए लोगों ने दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये उन दुआओं का नतीजा है। वो कहते हैं दुआओं में बहुत असर है, और इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, मैंने फ़ील किया है और मुझे उसका सिला मिला है। तो ये लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो वापस मैं दोबारा क्रिकेट में आया। मैंने कोई 20 साल हो गया मुझे इंटरनेशनल खेलते हुए, मैं नहीं समझता ये सब। देखें इस दौर में वैसे भी सोशल मीडिया बहुत है, हर आदमी हर चीज़ में एक्टिव है। मुझे पता है आज मैं यहाँ बैठा हूँ, हर आदमी को पता है कि इमरान नज़ीर वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ एक्टिव है। तो मैं नहीं समझता, देखो एक इंसान जब अच्छी मेहनत कर रहा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वही पाकिस्तान खेलेगा। यार पाकिस्तान खेलना हर आदमी का काम नहीं है, सब झूठ है। देखो अगर कोई किसी को बैकअप भी कर रहा है लेकिन वो 19-20 ही होता है, मैं ये नहीं मानता कि बैकअप नहीं है, बैकअप ज़रूर होता है, आपकी बैकबोन अच्छी हो या आपका कुछ स्ट्रॉन्ग आदमी आपकी बैक पे हो तो आपकी परफॉर्मेंस साथ होनी चाहिए। हम लोग अक्सर यहाँ बातें करते हैं कि यार ये सिफारिश ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता,
सफारिशी आदमी को खिला के देख ले उस बेचारे से यहाँ से अंदर तक जाते जाते वो पहले ही आउट होने वाला सीन है Take a bow, Imran Nazir. Miles, and he gets 100 with a magnificent shot.